नमस्कार। इतिहास से लिए गए जीवन के कुछ एहसास, कुछ महत्वपूर्ण पाठ लेकर आई हूँ मैं आपके पास अपने शो हर दिन कुछ कहता है के साथ। मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। मेरा मानना है हर दिन हमसे कुछ कहता है, शायद जीवन को बेहतर बनाने का एक प्यारा सा मैसेज देता है। नई आशाओं, नई उम्मीदों से भरे दिन की शुरुआत बढ़ी हुई ऊर्जा और जोश से करने के लिए चलिए जानते हैं मार्च 29 का खास पाठ। माँ दुर्गा जी की आठवीं शक्ति का नाम महागौरी है। नवरात्रि में आठवें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। माना जाता है कि वे पवित्रता और शांति का प्रतिनिधित्व करती हैं। महा शब्द का अर्थ महान है और गौरी का अर्थ गौरा या सफेद है। इस प्रकार महागौरी को महाश्वेत देवी के रूप में भी जाना जाता है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है और इनके सभी आभूषण और वस्त्र श्वेत हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है और 29 मार्च को विश्व पियानो दिवस भी होता है। यदि आप शास्त्रीय संगीत के प्रशंसक हैं, तो आप निश्चित रूप से प्रसिद्ध पियानो के बारे में जानते होंगे। पियानो एक ऐसा वाद्य है जिसने शास्त्रीय संगीत, जैज और कई अन्य संगीत शैलियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व पियानो दिवस वर्ष के 88वें दिन मनाया जाता है, जो कि पियानो पर कीज की संख्या के बराबर होता है। इस वर्ष यह आज यानी 29 मार्च को है। यह कार्यक्रम 2015 में भावुक पियानो प्रेमियों के एक समूह द्वारा स्थापित किया गया था, जो वाद्य यंत्र के समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक महत्व और पियानो की संगीत की दुनिया में योगदान से अवगत कराने के लिए है। और अंत में क्या आप जानते हैं, 29 मार्च 1857 को बेरकपुर परेड मैदान कलकत्ता के निकट मंगल पांडे ने रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और 29 मार्च 1954 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था।